नमस्कार, पूनम राठी रेसिपी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं गन्ने की पंजली, जो भगवान के प्रसाद के लिए और फास्ट में खाई जाती है। यह एक बहुत ही स्वादिष्ट और सिंपल रेसिपी है। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में एक कप धना लेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून कर लेंगे। धने को भूनने से पंजली का टेस्ट लाजवाब हो जाता है। देखिए, धने का कलर बदल गया है। इसका मतलब है कि धना भून कर तैयार हो गया है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर लेंगे और नॉर्मल टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब उस कढ़ाई में हम 1/4 कप ग्रेटेड बादाम, काजू और पिस्ता मिलाकर मीडियम फ्लेम पर भून कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद अनुसार ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट को भूनने से पंजली और भी स्वादिष्ट बन जाती है। अब इन्हें एक प्लेट में निकाल कर लेते हैं। अब हम 1/4 कप ग्रेटेड सूखा नारियल लेंगे और इसे हल्का सा भूनेंगे। याद रहे, नारियल का पिछला कवर निकाल कर लिया है, जिससे पंजली देखने में और खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। देखिए, नारियल का कलर भी चेंज हो गया है। अब इसे भी प्लेट में निकाल कर लेते हैं। अब हम पैन में 1/4 कप घी गरम कर लेंगे। घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून गोंद मिलाएंगे। गोंद को डिंक कहते हैं। देखिए, गोंद अच्छे से फूल गया है। अब इसे भी एक प्लेट में निकाल कर लेंगे। गोंद का इस्तेमाल करने से पंजली का स्वाद दुगना हो जाता है। धने जो हमने पहले भुने हुए थे, वो अब ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। हम इसे अच्छी तरह से बारीक ग्राइंड कर लेना है। पूरा ग्राइंड होने के बाद इसे हम छलनी से छान कर लेंगे। जो बचा हुआ धना है, उसका उपयोग आप सब्जियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस धने की पाउडर में भुने हुए मिक्स ड्राई फ्रूट, ग्रेटेड नारियल का चूरा, गोंद और आधा कप पीसी हुई चीनी मिलाएंगे। 1 टीस्पून इलायची पाउडर भी डालेंगे, जिससे इसका स्वाद लाजवाब हो जाएगा। सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। चीनी आप अपने पसंद अनुसार कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अगर पंजली थोड़ी ड्राई लग रही हो तो थोड़ा मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लो, पंजली बनकर बिल्कुल तैयार है। ऊपर से थोड़े से ड्राई फ्रूट और 4-5 केसर की दंडियां मिला देते हैं। बहुत ही सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपी है। पंजली को हम 15-20 दिन तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो भगवान का प्रसाद भी हो गया और सेहत का साथ भी है। आप बताइए, आप इस पंजली को किस अवसर पर बनाना पसंद करेंगे? अपनी राय जरूर बताइए कमेंट्स में। ऐसे ही सिंपल और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।